वॉट इज एन अकेडमी प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया टीच करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको टॉप टॉप एजुकेटर्स का से पढ़ने का मौका मिलता है तो यहाँ पे जो लर्निंग रहती है दैट इज बिल्कुल लाइव लाइव लर्निंग रहती है आपकी एंड यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस स्टडी मटेरियल का पीडीएफ आंसर राइटिंग सेशंस एंड मेंटोरशिप एंड गाइडेंस सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन वन प्लेटफॉर्म ऑन वन प्लेटफॉर्म राइट तो अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज हेयर दैट जो सी डी एस टू अभी आने वाला है दैट इज ऑन फोर्थ ऑफ सेप्टेंबर तो उसके लिए कल एक बैच आ रहा है दैट इज अग्नि सी डी एस टू ठीक है दैट स्टार्ट ऑन अप्रैल ट्वेंटी दैट इज ऑन दैट इज टमोरो तो यहाँ पे आपका इंग्लिश कवर करेंगे सिद्धांत सर ठीक है उनकी क्लास रहेगी टू थर्टी टू फोर ओ क्लाक तक ठीक है पॉलिटी विशाल सर दिव्या गुप्ता मैम करंट अफेयर्स मैथ्स एंड रीजनिंग नितिन राठौर सर इकोनॉमिक्स हिमांशु सर श्री प्रतीक सर जोग्राफी लेंगे आ, हिस्ट्री राकेश नेगी सर एंड साइंस रेशमा खान मैम राइट तो ये कुछ प्लान्स हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स अगर आप आ, ये ऑफर है कि अगर आप सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वन मंथ फ्री मिलेगा ट्वेंटी फोर मंथ्स पे फोर मंथ्स का फ्री मिलेगा ऐसे ही ट्वेल्व मंथ्स के लिए ट्वेल्व मंथ्स एसएसबी प्लान फ्री मिलेगा अगर आप आइकॉन का लेते हैं तो अगेन वो एस प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है ठीक है दिस इज सब्सक्रिप्शन वी कैन से ऑफर एंड दिस इज द कॉस्ट फॉर डिफरेंट मंथ ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए ट्वेल्व मंथ्स के लिए सिक्स मंथ्स के लिए यहाँ पे ये सारा आपको कॉस्ट मैं कोड अगर आप यूज करते हैं तो यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस ठीक है तो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ ये रह जाता है ठीक है जैसे फॉर ट्वेंटी फोर मंथस विदाउट डिस्काउंट इट इज सिक्सटीन थाउजेंड एंडकाउंट इट इज फोर्टीन फोर हंड्रेड ठीक है सेम ही आईकॉनिक के लिए है ठीक है सिद्धांत लाइव कोड आप यूज करेंगे तो यू विल गेट अगेन टेन परसेंट डिस्काउंट जैसे अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ्स का ले रहे हैं तो इट इज नाइन टू हंड्रेड एंड एटी राइट ओके तो अभी हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स डिस्कस द टॉपिक दैट इज ग्लोबल वार्मिंग सो वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग माइंड देंड राइटिंग हैंडराइटिंग मेरी ज्यादा सुंदर नहीं है तो एडजस्ट कीजिएगा सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है जो हमारा टेम्परेचर है हमारा अर्थ टेम्परेचर वो लगातार क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है किसकी वजह से हो रहा है वो ड्यू टू तो ग्लोबल वार्मिंग तो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू क्या देर इज ग्रेजुअल इंक्रीज देर इज ग्रेजुअल राइज किस चीज में देअर इज ग्रेजुअल राइज इन दी एटमोसफेयरिक टेम्परेचर या फिर इन दी टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर ठीक है इन टेम्परेचर ऑफ अर्थस एटमोसफियर जिसकी वजह से क्या हो रहा है एटमोस तो इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है जब ग्रेजुअल राइज हो रहा है तो हमें पता है कि हमारे जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं जैसे कि अंटार्कटिका में कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे अभी वो मेल्ट हो चुके हैं ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो विच लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स ठीक है तो कि इसके बहुत सारे रीजन हैं, uh, हैं इसको क्या करने के लिए ओवरकम करने के लिए बिकॉज वी कैन नॉट से ये प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते वी कैन अगर हम चाहें तो ठीक है तो देर आर मेनी Reasons or many causes, so kya which cause this problem, which cause this problem, but स्ट्रिक्ट एक्शन वी कैन से ठीक है या फिर स्टेप्स या फिर सम मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम दिस इशू ठीक है बट a few measures or we can say steps right क्या kiye जा सकते हैं can be taken किसके लिए to overcome this

लाइक like हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होता है दैट इज कंक्लूजन उसमें बता सकते हैं ठीक है तो यस वॉट इज द मेन रीजन और वी कैन से कॉज जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इशू आया है क्या है क्या कारण है Sorry, body, not BP one. Yes, what is the main reason? We can say there there is not a particular reason. There are many reasons, several reasons. देखो हम कह सकते हैं कि the जो global warming है causes इसके causes हम explain करेंगे in body. ठीक है तो हम कह सकते हैं कि देर आर सेवरल रीजन्स देर आर सेवरल कॉजेस और सेवरल रीजन सेवरल रीजन हैं इसके पीछे तो कुछ नेचुरल काजेज भी हैं और मैन मेड भी हैं ठीक है नेचुरल क्या हो गए जो डिजास्टर्स होते हैं जो कैलोमिटीज होती हैं वो नेचुरल ही होती हैं ठीक है थीके? जैसे वॉलकानिकरप्शंस हो गए ठीक है और कॉज uh, है जो इसके नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी हैं ठीक है क्लियर तो नैचुरल क्या है नैचुरल में वी कैन टॉक अबाउट वॉल्कैनिक Right. And in man made we can talk about use of automobiles as well as or kiska use fossil fuels. Right. Todeko. लेट्स डिस्कस फर्स्ट वी डिस्कस मैन मेड कॉजेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स क्या हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स की देखिए कि आज कल के जो लोग हैं ठीक है टू डेज जनरेशन वी कैन से क्या है कि वो इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि दे डोंट वांट टू वॉक फॉर एनी रीजन ठीक है दे डोंट वांट टू गिव पेन टू देयर बॉडी राइट फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहते हैं वो जिसकी वजह से अगर उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर करना होता है तो दे गो ऑन देयर बाइक्स ऑन देयर व्हीकल्स ठीक है तो ये बाइक्स हैं व्हीकल्स हैं ठीक है ऑटोमोब ही होते हैं ना कार्स व्हीकल्स बाइक्स एंड ऑल स्कूटी तो ये सभी क्या करते हैं रिलीज uh, करते हैं हार्मफुल गैसेस तो ये गैसेस कहाँ पे जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं ठीक है पॉल्यूट करती हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है राइज uh, हो रहा है किस पे uh, के जैसे कार्बन मोनोक्साइड गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये सब भी आ, क्या कर रही हैं हैं गर्मी पैदा कर रही ठीक है ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है और ये सब का लेवल बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ठीक है तो यूज ऑफ ऑटोमोबल्स तो वी कैन इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम ये लाइक टू डेज जेनरेशन इतनी क्या है लेथारजिक वॉट इज लथारजिक लेजी इतनी लथारजिक है और लीड सेडेंट्री सेडेंट्री लाइफ स्टाइल तो जिसकी वजह से दे डोंट वांट टू डू फिजिकल एक्जर्शन दे आर नॉट इंटरेस्टेड किस में नॉट इंटरेस्टेड डूइंग फिजिकल एक्जर्शन फिजिकल एक्टिविटी या एक्जर्शन वी कैन से ठीक है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं थोड़े से डिस्टेंस को भी कवर करने के लिए फॉर दिस रीजन फॉर दिस रीजन वो क्या करते हैं टू कवर नियरेस्ट सॉरी टू कवर शॉर्ट डिटेंस यूज क्या व्हीकल मोर ओवर इसके अलावा क्या है कि घर में जितने भी मेम्बर हैं ठीक है वो अपना अलग अलग व्हीकल लेकर बाहर निकलते हैं कोई भी काम अगर उन्हें ऑफिस वर्क के लिए जाना है या फिर उन्हें कोई डोमेस्टिक वर्क के लिए जाना है ठीक है तो भी वो अलग अलग व्हीकल लेकर निकलते हैं ये भी एक रीज़न है ठीक है जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं गर्म कर रही हैं ठीक है तो वी कैन से यूज व्हीकल्स अपार्ट फ्रॉम दिस दिस काइंड ऑफ फ्रेज यू कैन यूज है ना मोर ओवर फर्दर मोर टू एड ऑन ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस बिस दिस जो घर के मेंबर हैं या फिर वी केंड से ईच एंड एवरी पर्सन इन द हाउस ठीक है या फिर एवरी पर्टिकुलर पर्सन इन द हाउस यूजेज हिज और हर ऑन क्या ट्रांसपोर्ट गोइंग फॉर वर्क एनी काइंड ऑफ वर्क वेदर इट इज ऑफिस वर्क और डोमेस्टिक और मतलब घर का कोई काम ठीक है तो जिसकी वजह से क्या होता है अगेन तो इन दोनों की वजह से कि शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी वो व्हीकल का यूज कर रहे हैं ठीक है तो ज्यादा क्या हो गया रोड पे ज्यादा व्हीकल्स हो गए तो वो व्हीकल्स क्या कर रहे हैं गैसेस रिलीज कर रहे हैं ठीक है तो इतने सारे व्हीकल्स क्या कर रहे हैं गैसेस हार्मफुल गैसेस कार्बन मोनोक्साइड एनऑल है ना हार्मफुल गैसेस क्या हो रही है रिलीज हो रही है एंड ये सारी कहाँ पे मिक्स होती है हमारे एटमोसफेयर में जिसकी वजह से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है किसमें टेम्परेचर में सिंपल राइट right. और अभी जैसे मैंने यहां पे लिखा फॉसिल फ्यूल्स तो ऑफ़ ऑफकोर्स फॉसिल फ्यूल्स को क्या है कोल हो गया पेट्रोल हो गया है हाँ ना तो कोर्स अगर लोग ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं भाई तो वो फॉसिल फ्यूल्स यूज करेंगे ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए ऑफ कोर्स इनको पेट्रोल चाहिए डीजल चाहिए ठीक है तो इसी के साथ वो कवर हो जाएगा ठीक है फॉसिल फ्यूल्स में ये कवर हो जाएगा ना तो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स कोर्स इनको चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स कोल right and uh, petrol etc theek hai to automobiles ko chalane ke liye they have to use them there is no other option theek <coughs> hai तो ये अगेन हार्मफुल हैं कोल लोग यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए To ignite fire, And all. तो इग्नाइट फायर है उसी के साथ लिंक हो जाएगा का हम इसी के साथ लिंक कर देंगे कि अगर इतना हो रहा है, तो हैगेन है. तो केमिकल्स तो ये केमिकल रिलीज करते हैं ठीक है दीज रिलीज केमिकल्स एंड अगेन हिबनोक्शिय स क्या होता है जहरीली जहरीली गैसेस ठीक है air, तो अगेन ये कहाँ पे मिक्स होती हैं हमारी एयर में एटमोसफेयर एयर तो अगेन वो क्या कर रही हैं किसमें बढ़ावा कर रही हैं हमारे टेम्परेचर को राइज करने में क्लियर है और अभी हम बात कर रहे थे Natural, ना क्लियर है सभी को कितना हो गया नेचुरल वॉलगेनिक इप्शन के जब वो होता है ना ज्वालामुखी तो ये एक नेचुरल चीज है तो नेचुरल कैलामिटी हुई तो उससे भी कितना ज्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं अगेन इससे क्या हो रहा है uh, आ पेड़ों को है ना डिफोरेस्टेशन हो जाता है फॉरेस्ट में आग लग जाती है ना वर्कैनिक इप्प्स की वजह से ठीक है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वॉलैनिकरप्शन से क्या हो रहा है अगेन केमिकल्स रिलीज होते हैं और या फिर ये बहुत ज्यादा फायर फायरिंग हो जाती है कहाँ पे फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट में फायर हो गया तो मतलब पूरे वुड्स जल गए ठीक है उससे अगर ग्रीनरी नहीं है तो ग्रीनरी नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा ठीक तो है तो अगेन क्या होगा टेम्परेचर में बढ़ावा ही आएगा टेम्परेचर राइज ही करेगा क्लियर है तो नेचुरल में ये हम बोल सकते हैं क्लियर है आई थिंक दिस इज इनफ अगर हम विद एग्जाम्पल के दे दें कोई तो दिस इज इनफ बॉडी ठीक है तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि सजेशन क्या दे सकते हैं अभी हम सजेशंस क्या हो सकते हैं कि देखो भाई अकेली गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाएगी राइट right? लोगों को भी गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा तो वी कैन से कंबाइंड स्टेप्स फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम इंडिविजुअल साइड नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट है ना कंबाइंड स्टेप्स लेने की जरूरत है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती इट कैन बी सॉल्व ठीक है प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग वी कैन से कम्बाइंड टेकिंग कम्बाइंड स्टेप्स स्टेप्स और वी कैन से एफर्ट्स कैन बी पुट इन है ना कंबाइंड स्टेप्स उठाए जा सकते हैं कैन बी टेकिंग और एफर्ट्स न बी पुटेंट किनके द्वारा कंबाइंड स्टेप कौन लेगा गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल इंडिविजुअल नाउ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है इंडिविजुअल साइट गवर्नमेंट साइट से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए इंडिविजुअल साइट से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए नाउ क्या कर सकती है इंडिविजुअल साइट से क्या हो सकता है इंडिविजुअल साइट से क्या हो सकता है यस yes. तो वी कैन से के आ, लोग अभी हमने क्या कहा शॉर्ट डिस्टेंस है ना उसी को उठा लेते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करें लो, लोग कैसे कवर करें अपने वॉकिंग के वॉक करके जाए या फिर साइकिल्स का यूज करें ठीक है या फिर वो हाइब्रिड कार्स ठीक है यूज करें एंड ऑल ठीक है इको फ्रेंडली व्हीकल्स यूज करें ठीक है तो इंडिविजुअल साइड से ये हो सकता है टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए दे कैन प्रेफर वॉक दे कैन यूज साइकिल ठीक है और अदर इको फ्रेंडली व्हीकल्स Right? <coughs> And, और sharing, ना? कि अगर वही कि अगर वो एक ही आ, काम के लिए जा रहे हैं लाइक ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं ठीक है ठीके? तो वो शेयर कर सकते हैं कार को या व्हीकल को नॉट ओनली कार हम कह सकते हैं व्हीकल को शेयर कर सकते हैं जिससे अगेन क्या होगा कम पॉल्यूशन होगा कम गैसेस रिलीज होंगी तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग कम होगा उसमें डिक्लाइन आएगा देर विल बी डिक्लाइन इन दैट ठीक है कार पुलिंग और कार शेयरिंग हम कह सकते हैं ठीक है इज ऑल् इज ऑल्सो गुड स्टेप टू बी टेकन ठीक है और गवर्नमेंट uh, साइड से क्या हो सकता है गवर्नमेंट क्या कर सकती है स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकती है किसके किसके स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स रूल्स यही जो हमने कहा स्ट्रिक्ट रूल्स, किसके? के आ, अगर लोग कार पुलिंग और कार शेयरिंग नहीं उसको आ, कर रहे हैं यूज ठीक है एनकरेज नहीं हो रहे हैं लोग इसमें तो उनको फाइन हो सकता है है ना फॉर नॉट ओबेइंग रूल्स कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल बना देना चाहिए ठीक है कि कार पुलिंग होना ही होना चाहिए ठीक है कार पुलिंग होना ही होना है ऑड इवन जैसे गाड़ियाँ जैसे उसमें है दिल्ली में तो ये हर जगह अप्लाई किया जा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ठीक है गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्योंकि लोग गवर्नमेंट साइड से ही अवेयर होते हैं गवर्नमेंट फिर अवेयरनेस कैंप्स लगा सकती है कैंपेन लगा सकती है ठीक है रैली निकाल सकती है कि ये सगर वो ऐसा नहीं करते हैं ठीक है एक तो स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकती है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए टेशन फॉर दिस कार और शेयरिंग प्लस अवेयरनेस कैंप्स और कैंपेन्स अवेयरनेस कैंप्स right? अवेयरनेस कैंप्स किस चीज के बारे में लोगों को कॉन्सिक्वेंस कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं रूल्स तो उनकी हेल्थ पे भी तो कॉन्सिक्वेंस होंगे ना अवेयरनेस कैंप टू कॉन्सिक्वेनेस टू अवेयर किस चीज के कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल वार्मिंग तो अगर लोग अवेयर होंगे क्योंकि सारे लोग yes, हम हैं अवेयर तो भी हम यूज कर रहे हैं उन चीजों को है ना तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएंगे कि आपको ऐसा करना ही है तो ऑफकोर्स हम उसके डर से ही वो फॉलो करेंगे कि अगर हमें है कि हाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं एंड अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमें पेनल्टीज हो सकती हैं फाइन हो सकता है तो उस डर से ही हम लोग करेंगे ठीक है अवेयरनेस कैंप्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बताएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं उनकी हेल्थ पे कॉन्सिक्वेंस होगा उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी ठीक है उनको रेस्पिरेटरी डिजीजे एसमा एंड ऑल ये सब बीमारियां हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली लोग अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी क्या करेंगे ये स्टेप्स उठाएंगे ठीक है क्लियर हुआ आई होप इट इज क्लियर तो आप जरूरी नहीं है कि आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं ठीक है मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं इससे अलावा हटकर कुछ और पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कॉज yes, इसका डिफोरेस्टेशन भी होगा तो ये मैंने आपको यहाँ पे नेचुरल में दे ही दिया है तो डिफोरेस्टेशन भी होगा क्योंकि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं फॉर मेनी पर्पेस मैन मेड भी काट रहा है और नेचुरल कैलोमिटीज की वजह से भी वो क्या हो रहे हैं गिर रहे हैं ठीक तो, okay. है तो ओके स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर है तो ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना एंड हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक तब तक के लिए बाय टेक केयर